Hello friends, welcome back to KB's World. Myself Kiran, and today I'm here with a new topic regarding business management. The topic name is Product Life Cycle. Let's see what is in this topic. Before the started lecture, those who are not yet subscribed our channel, please do subscribe and press the bell icon for the latest update notification of new videos. So let's start with the product life cycle. आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? Aims. The first one is discuss the product life cycle. Second one is discuss each stage of product life cycle. And the third one is finally we draw a line of profit. So let's see how the product life cycle curves. Product life cycle is nothing but a life cycle of particular product, particular business. यहाँ पे ये जो भी हम product business develop करते हैं, उसके चार main stages रहती है. First one is introduction, that is development of that product. Second one is growth. Third one is maturity or stabilization. And last one is decline. अब हम ये इस ग्राफ की हेल्प से समझेंगे. हम कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तभी जाके वो मार्केट में डिमांडिंग बढ़ती है उसकी, फिर हमें प्रॉफिट होना लगता है उससे या कंपनी चलती है उसके ऊपर. द इनिशियल स्टेज इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, उसको मार्केट में लाया जाता है. उसके बाद सेकंड स्टेज होती है ग्रोथ. उसमें ये इस ग्राफ में जैसे दिखाया ऐसे इस तरीके से उसमें प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है. फिर उसके बाद मैच्योरिटी और स्टेप और स्टेबिलाइजेशन, मैच्योरिटी लेवल आती है, स्टेबिलाइज होता है वो प्रोडक्ट, मार्केट में स्टेबिलाइज होता है. तो ये उसका ग्राफ है. ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम है और ये जो y एक्सिस है वहां पे एनुअल सेल वॉल्यूम लिखा है. हम इसे सेल भी कह सकते हैं, सॉरी हम इसे सेल भी कह सकते हैं. और ये टाइम है, हर एक प्रोडक्ट का एक टाइम लिमिट होता है. अब देखते हैं हम ये स्टेजेस कैसे कैसे प्रोडक्ट में मतलब इफेक्ट करती है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द स्टेजेस दैट अ प्रोडक्ट गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ. First one is introduction, second one is growth, third one is maturity, and the last one is decline. Let's see each every. Product life cycle. The life cycle concept may apply to a brand or to a category of a product. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो हम business develop करते हैं या product launch करते हैं हमारी company का, हमारे खुद के business का, उसके ऊपर ये concept वहाँ पे apply होती है उस product पे. ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो ड्यूरेशन रहती है, ये ड्यूरेशन मे बी शॉर्ट हो सकती है, मे बी फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोडक्ट. उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, वो मतलब रिलायबल है, कितना प्रॉफिटेबल है, उसके हिसाब से उसकी ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ड्यूरेशन डिपेंड करता है. एज अ प्रोडक्ट प्रोग्रेसेस थ्रू द स्टेजेस, changes are made to how the product is marketed. ये product life cycle में product कैसा market में उतरता है, कैसे उसका form change होते हैं, ये हम सब देखने वाले आगे. Introduction stage जो रहती है first वाली, जैसे कि मैंने पहले graph में बताया first stage is introduction, उसमें अब क्या होता है वो हम देखेंगे. Most of product fails at this stage. मतलब कोई business start करता है, product launch करता है, लेकिन वो वहां पे मतलब स्टार्टिंग फेज में ही फेल होते हैं. तो वो क्यों फेल होते हैं वो हम अब देखेंगे. व्हाई? दिस इज द स्टेज इन विच द प्रोडक्ट इज इनिशियली प्रमोटेड. पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट. इफ पीपल डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट दे वोंट गो आउट एंड बाय इट. इस स्टेज में प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है. पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज.
अगर प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट में उतारना है तो पब्लिक में उसके उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी होगी वो प्रोडक्ट की, तभी जाके उसकी डिमांड बढ़ेगी, तभी वो मार्केट में लॉन्च होगा, मार्केट में चलेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा बिजनेस का। अगर लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, उनके मन में अवेयरनेस ही मतलब अवेयरनेस ही नहीं हुआ वो प्रोडक्ट के बारे में, तो वो लोग लेंगे ही क्यों वो प्रोडक्ट, फिर वो मार्केट में चलेगा ही नहीं। इसी कारण मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फेल एट दिस स्टेज। इन द इंट्रोडक्शन स्टेज देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज, वी कैन यूज दैट टू डिफरेंट स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन अ मार्केट। फर्स्ट वन इज पेनिट्रेशन एंड द सेकंड वन इज स्कीमिंग। लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय पेनिट्रेशन एंड व्हाट इज मीन बाय स्कीमिंग। पेनिट्रेशन, दिस स्ट्रेटजी यूजुअली सेट द प्रोडक्ट प्राइस वेरी हाई इनिशियली एंड देन ग्रेजुअली लोअर्स इट ओवर टाइम। मतलब पहले प्रोडक्ट की प्राइस इनिशियली बहुत हाई रखी जाती है, उसके बाद वो ग्रेजुअली कम हो जाती है टाइम के हिसाब से। दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी टू यूज इफ देयर आर फ्यू कॉम्पिटिटर्स फॉर द प्रोडक्ट। अगर हमारे प्रोडक्ट के लिए फ्यू गिने चुने कॉम्पिटिटर्स है तो ये स्टेज मतलब बहुत ही इफेक्टिव होती है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, इंट्रोड्यूस करने में, उसकी मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने में, प्रमोट करने में। प्रॉफिट आर हाई बट विद दिस स्ट्रेटजी देयर इज ऑल्सो अ ग्रेट डील ऑफ रिस्क। इफ पीपल डोंट वॉन्ट टू पे हाई प्राइस यू मे लॉस आउट। ऐसा नहीं है कि हमें पहले इनिशियली प्रोडक्ट की मतलब जो भी कीमत है वो बहुत हाई रखनी है, उसके बाद उसको टाइम के हिसाब से डिमांड जैसे बढ़ेगी उसके हिसाब से हम उसे कम करते चलेंगे, लेकिन ये स्टेज प्रॉफिटेबल भी बहुत है और इसमें रिस्क भी बहुत है। अगर अगर लोगों ने मतलब ऐसा डिसाइड किया कि वो ज़्यादा प्राइस पे नहीं करेंगे तो हम लॉस में भी जा सकते हैं, इसलिए हमें जो भी प्राइसिंग है प्रोडक्ट की वो एकदम मतलब रिलायबल रखनी चाहिए, तभी जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। इसमें दूसरी स्टेज मैंने जैसे पहले बताया स्कीमिंग नाम की है। स्कीमिंग, इन दिस केस यू सेट योर प्राइसेस वेरी लो एट द बिगिनिंग एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद द टाइम। स्कीमिंग में पहले हमने अभी बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिसमें इनिशियली प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो रहती है, जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनियां आई, फॉर एग्जांपल लेते हैं जियो, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पहले उन्होंने दिया, उसके बाद अभी धीरे धीरे वो उसकी प्राइस बढ़ा रहे हैं, रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से ये भी है, स्कीमिंग नाम है इसका। उन्होंने भी ये स्कीमिंग वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस रिगार्डिंग। अगर हमें किसी चीज का किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज गिव अटेंशन हियर। मैं ऐसे इसमें यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में मैच करते हैं ये स्कीमिंग और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी टू यूज इफ देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हु कंट्रोल अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मार्केट। अभी हम चलो जियो का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां पहले भी मार्केट में थी, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी पहले से ही कंपनियां थी, लेकिन फिर भी रिलायंस ने जियो लॉन्च किया तो उन्होंने ये स्कीमिंग की स्ट्रेटजी वहां पे अप्लाई की। ये बहुत ही गुड स्ट्रेटजी, अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है तो ये स्ट्रेटजी बहुत यूजफुल है प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। प्रॉफिट आर नॉट अ कंसर्न अंडर दिस स्ट्रेटजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट यू प्रोडक्ट नो एंड वरी अबाउट मेकिंग मनी एट अ लेटर टाइम। जैसे कि मैंने बताया जियो ने पहले फ्री दिया, उसके बाद अभी वो रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर उनको मतलब कोई भी कंपनी लो, उनको अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कोई कुछ देता नहीं है, ये तो एकदम बेसिक है। इसी तरह ये स्कीमिंग में आता है, पहले प्रोडक्ट को बेचो, नेटवर्क क्रिएट करो, उसके बाद मनी कैसे बनाए उसमें से वो डिसाइड करो और वो स्ट्रेटजी वहां पे इंप्लीमेंट करते चलो ताकि प्रॉफिट बढ़े। लेट्स सी द नेक्स्ट, ग्रोथ। द सेकंड स्टेज इज ग्रोथ। इन दिस स्टेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेज।
फर्स्ट मैंने जैसे पहले बताया इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। द सेकंड स्टेज इज ग्रोथ। इन दिस स्टेज इफ यू आर सक्सेसफुल विथ योर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी देन यू विल सी एन इंक्रीजिंग इन सेल्स। अगर हमने एडवर्टाइजिंग की प्रोडक्ट को प्रमोट किया तो ये ग्रोथ स्टेज में हमने जैसे पहले ग्राफ में देखा कि लेट्स सी अभी देखते हैं ग्राफ में क्या था। जैसे ये जो सेकंड स्टेज है ग्रोथ, इसमें देखो अभी सेल्स बढ़ रहे हमारे टाइम के हिसाब से। पहले इंट्रोडक्शन में बहुत कम थे, हमने इस यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की वो प्रोडक्ट जो था प्रमोट किया, उसके बाद ये ग्रोथ वाला सेक्शन में यहाँ पे हमारा सेल्स बढ़ रहे। द सेकंड वन थिंग इज वंस योर सेल बिगिन टू इंक्रीज योर शेयर ऑफ मार्केट विल स्टेबिलाइज। After the increasing of your share, then you will get stabilized state. Let's see what the next is. Maturity, that is stabilization. It is a very important stage in the product life cycle. The third stage is maturity. The third stage in the product life cycle is the maturity stage, that is stabilization. If your product completes the introduction and a growth stage, then it will then spend a great deal of time in the maturity stage. Maturity stage में मतलब पहले हमें introduction complete करना होगा, उसके बाद growth stage complete करनी होगी, उसके बाद ये maturity stage आएंगी। During this stage, sales grow at a very fast rate and then gradually begin to stabilize. Let's see in a graph. जैसे कि ये मैच्योरिटी और स्टेबिलाइजेशन स्टेज है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि पहले सेल बहुत ग्रेजुअली ग्रो होता है, वेरी फास्ट ग्रो होता है, उसके बाद ये स्टेबिलाइजेशन पोजीशन आती है इसकी। ये स्टेबिलाइज हो गया, यहाँ पे टाइम के हिसाब से सेल स्टेबिलाइज हो गया, मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट डिक्लाइन स्टेज, द लास्ट स्टेज। दिस इज द स्टेज इन विच सेल ऑफ योर प्रोडक्ट begin to fall। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का सेल फॉल होते जाता है, मतलब नीचे आता है, कम होते जाता है। Either everyone that wants to has bought your product or a new one, more innovative products have been created that replace yours। मतलब यहाँ पे और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट की जगह लेते हैं, मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स टाइम के हिसाब से बदलते हैं, लोगों की भी डिमांड बदलती है, मार्केट की डिमांड बदलती है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट भी हमें बदलना चाहिए। तो ये स्टेज में हमें बहुत ही मतलब आगे की सोच रख के कुछ अलग करना चाहिए, प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना चाहिए, तभी जाके हमारा प्रोडक्ट आगे मार्केट में और बढ़ेगा। इन दिस स्टेज मेनी कंपनीज डिसाइड टू विथड्रॉ देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू द डाउनटर्न। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स डाउन होती है, तो बहुत सारी कंपनियां मतलब डिसाइड करती है कि वो उनका प्रोडक्ट मार्केट में से निकालेंगे, क्योंकि डाउनटर्न आ जाता है इसी वजह से। द ओनली वे टू इंक्रीज सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज टू कट योर कॉस्ट, रिड्यूस योर स्पेंडिंग। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट लाइन। जैसे कि मैंने एम में बताया था, थर्ड वन इज फाइनली बी एबल टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ प्रॉफिट। तो हम अब देखते हैं लाइन ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलती है हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मदद से। ये सेल्स एंड प्रॉफिट लाइन है। जैसे कि हमने देखा प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, तब तो हम मार्केट में उसे लॉन्च नहीं करते, कोई सेल्स नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा तो उसके पहले जो पीरियड रहता उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मार्केट में आने से पहले प्रोडक्ट कहीं पे तो भी वो प्रोडक्ट डेवलप होता है, तभी जाके वो मार्केट में आता है। तो ये हमारा वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ है, ये ग्रीन वाला, सेल्स एंड टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ पे कैश फ्लो या प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। डेवलपमेंट में इनिशियली जीरो से स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट करने को मतलब करते वक्त हमें बहुत सारे फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तब हमें मतलब खुद का फंड यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे नीचे नीचे आ रहा, मतलब फंडिंग निगेटिव होती जा रही, मतलब हमें हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे।
तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नीचे आ गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टेज में चला जाता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टेज में हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, उसमें बहुत सारा खर्चा निकल जाता। तो ये ए स्टेज यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लास्ट लास्ट में आती है, जहाँ पे ये जीरो लेवल पे आता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, इतना सेल हो गया, लेकिन हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ही है, जीरो पे, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये सेल का ग्राफ बढ़ते जाता, ये ग्रोथ 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 स्टेज में आता, तब वहां पे हमारा प्रॉफिट एक्चुअली ऑन होना स्टार्ट हो जाता। यहाँ पे हमें देखिए, जैसे ये ग्रोथ स्टेज में है, वैसे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा ज्यादा हमारा प्रॉफिट का ग्राफ भी इंक्रीज होते जा रहा। उसके बाद ये मैच्योरिटी लेवल में भी जाता, मतलब मैच्योरिटी स्टेज में जब जाता सेल्स, वहां पे वो स्टेबिलाइज हो जाता थोड़ी देर के लिए, तभी भी हमें प्रॉफिट मिलता रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ये डिक्लाइन स्टेज में जाता, सेल्स हमारे डाउन होते हैं, हमारा सेल डाउन होते जाता है, वैसे ही हमारा प्रॉफिट भी कम होते जाता है, डाउन होते जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां ये सोचती है, अगर हमारा प्रोडक्ट अभी डाउन टर्न चल रहा है तो हम उसे मार्केट में से निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां रह चुकी है, जो जैसे कि हम अभी टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो हम जानेंगे एयरसेल, वो यूनिनॉर, ऐसे दो, मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जो अभी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, लेकिन उन्होंने उनका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में मर्ज कर दिया क्योंकि वो डाउन टर्न में चल रहे थे। इसलिए यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फिर जीरो होते जा रहा और सेल भी कम होते जा रही, ये इसका एंडिंग पार्ट रहता प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। अब हमें यहाँ पे ये मतलब जानना है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए हमें प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे इनिशियली फंडिंग करनी पड़ी, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वो एडवर्टाइजिंग की, उसके बाद ग्रोथ किया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, उसके बाद वापस वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब वो डिक्लाइन स्टेज आ गई और वो प्रोडक्ट खत्म हो गया। हर एक प्रोडक्ट, जैसे कि हम बोलते हैं अब इसका ट्रेंड चल रहा, उसका ट्रेंड चल रहा, ये ट्रेंडी है, एक एक तरह का ये ट्रेंडी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये ट्रेंडी है एक तरह का मार्केट का। तो इसे मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, अगर प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करना है तो इसके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा प्रोडक्ट का, पूरे कंपनी इसके ऊपर डिपेंड रहती है। अगर हमारा प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं रहा तो वो मार्केट में चलेगा नहीं, और उसका एक ट्रेंड रहता हर एक का। देखो अभी ये बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये टाटा ग्रुप है, ये रिलायंस ग्रुप है, उनका एक प्रोडक्ट नहीं रहता, उनके से बहुत सारे प्रोडक्ट है, टाटा के भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको तो पता ही है बहुत सारे हैं, वो भी ये सब सोच के उनकी कंपनियों में उनका प्रोडक्ट लॉन्च करते। मतलब हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इनिशियली डिफाइन होती है, उसके हिसाब से वो एक प्रोडक्ट ऊपर जा रहा, जब वो मैच्योरिटी लेवल पे आता है ना, तभी वो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यहाँ से वापस दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से लॉन्च करते, फिर तीसरा प्रोडक्ट, जब वो सेकंड वाला प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पे जाता है वो तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते, जब वो थर्ड वाला प्रोडक्ट जब वो थर्ड वाला प्रोडक्ट जब मैच्योरिटी लेवल पे जाता तब वो फोर्थ वाला प्रोडक्ट लॉन्च करते। ये सब स्ट्रेटजीज है मार्केट की, ये बिजनेस डेवलपमेंट के टूल्स है। हमें अगर कोई ऐसा बिजनेस करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको आसानी हो मतलब बिजनेस के बारे में सोचने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू गेट द पॉइंट्स एंड क्लियर द कंसेप्ट अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press a bell icon for the latest update notification of more videos. Thank you very much. Bye-bye.